तुम्हारे किसी एक सब्सक्राइब करना है कि मुझे मैनेज WP वर्कर प्लगइन के बारे में जानना है। आखिर ये प्लगइन क्या है, इसका यूज हम वर्डप्रेस की साइट में कवर क्यों करते हैं, आखिर क्या तरीका है इस प्लगइन का यूज करने का। तो आज की इस वीडियो में हम मैनेज WP वर्कर प्लगइन के बारे में जानेंगे, इसका यूज करना जानेंगे, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, किस काम में हम लेते हैं। तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले इसका बेसिक बता दें, आखिर मैनेज WP वर्कर प्लगइन है क्या है। दोस्तों, अगर आप मल्टीपल वेबसाइट यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस की और आप चाहते हैं वो सारी मल्टीपल वेबसाइट एक डैशबोर्ड में शो हो जाए, उसके परफॉर्मेंस, प्लगइन, थीम्स, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम है, पोस्ट पेजेस, सारा एक डैशबोर्ड में आ जाए, सारी वेबसाइट एक ही पेज में डिस्प्ले करने लगे, क्लिक करने पर उसका डाटा आने लगे, तब आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हैं मैनेज WP। मैनेज WP का मतलब आप सारी वेबसाइट को एक ही डैशबोर्ड में मैनेज कर सकते हैं। आप जितनी भी मल्टीपल वेबसाइट यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस की, आप एक डैशबोर्ड में ला सकते हैं और जिस पर क्लिक करेंगे उसका डाटा शो हो जाएगा। उसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, है ना। अब बात आते हैं इस प्लगइन को हम कैसे यूज करते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर। तो हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंड यहाँ पर प्लगइन ऑप्शन आएगा, एड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैनेज WP। तो यहाँ पर ये प्लगइन आया मैनेज WP वर्कर एंड यहाँ पर ये बेटर वे टू मैनेज डजन्स ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रेटिंग भी 5 स्टार है और यहाँ पर इसके 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलर है इस प्लगइन के, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका लास्ट अपडेट 2 मंथ पहले आया है। तो हम यहाँ पर इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं एंड यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेते हैं। एंड नीचे आएंगे तो इसकी सेटिंग अभी आपको कहीं नहीं मिलेगी इस कनेक्ट करने की, तो आपको प्लगइन पर आना है एंड यहाँ पर है, अब ड्रॉप प्लस ऊपर चलते हैं, ये है मैनेज WP वर्कर, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्ट मैनेजमेंट आ रहा है, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये की मिलेगी। अब दोस्तों, ये की आपको उस डैशबोर्ड में डालनी होगी जो आपका मैनेज WP का है, तभी ये साइट कनेक्ट होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप प्लगइन यूज करते जाएंगे उन साइटों में, वो साइट कनेक्ट होती जाएंगी आपके एक पेज के मैनेज WP के अंदर, ठीक है। वो पेज है मैनेज WP, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इसकी साइट पर आते हैं manageWP.com की, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको साइन अप करना है, तो ईमेल आईडी डाल देते हैं हम अपना। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर कोड डाल देना है, तो यहाँ पर कर देते हम AXZE2 एंड यहाँ पर टिक मार्क करके साइन अप कर लेते हैं। तो यू आर रेडी, डैशबोर्ड हो चुका है और अकाउंट कन्फर्मेशन पर क्लिक कर देना, कन्फर्मेशन साइन अप, ठीक है। ये मैंने साइन अप किया था तो कन्फर्मेशन किया नहीं था, ठीक है। एंड लॉगिन करना है एंड यहाँ पे नेम डालना है अपना, प्रमोद, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुमार, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। साइट का यूआर डालना है तो अभी डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, तो मैं अभी स्किप कर देता हूँ डैशबोर्ड, ठीक है। साइट को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर यूआर डालेंगे साइट का, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं यूआर लेते, कॉपी करते इसको, एड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर यूज इंसर्ट की को यूज करेंगे हम वेबसाइट ऐड करने के लिए, कॉपी एंड यहाँ पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पर ये वेबसाइट में एरर आ रही है तो दूसरी वेबसाइट हम यूज करेंगे, ऐड करके दिखेंगे एंड यहाँ पर वेबसाइट ऐड करेंगे, ऐड वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट का नेम देंगे ऐड वेबसाइट। तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट ऐड हो रही है, तो देखिए दोस्तों साइट यहाँ पर ऐड हो गई। तो यहाँ पर जो ये वेबसाइट थी ये एरर आ रही थी, तो हमने यहाँ पर इस साइट को ऐड किया है practice.pm को, है ना। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेबसाइट की जो हमारी वर्डप्रेस की है उसके प्लगइन आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, एलिमेंट प्रो, प्रीमियम एडवांस, है ना। ये हमने प्लगइन यूज किए हैं अपनी साइट के अंदर, यहाँ पर थीम्स भी शो करने लगेगी।
ठीक है। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी बैकअप वगैरह ये चेक करना है, लिंक मॉनिटरिंग वगैरह ये चेक करना है, ये सब यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको और वेबसाइट ऐड करना है तो ऐड अनदर वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यूआरएल को, और यहाँ पर हम डालेंगे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यूज कनेक्शन की को डालेंगे यहाँ पर, इस वेबसाइट की कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये एरर कर दे रही है, तो आप और भी वेबसाइट को डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारी एक ही वेबसाइट शो हो रही है, ठीक है। आप इस डैशबोर्ड के अंदर जितनी वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पर क्लिक करके कर सकते हैं। और ध्यान रखना, आपको ये प्लगइन ज़रूर इंस्टॉल करना है। कौन सा वाला? ये आपका मैनेज डब्ल्यूपी वर्कर को, है ना। इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ पर मैनेज डब्ल्यूपी वर्कर, ठीक है। जितनी भी डैशबोर्ड आप बनाना चाहते हैं, जितने भी ऐड करना चाहते हैं, उस डैशबोर्ड के अंदर आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, फिर आपको कनेक्शन की लेना है और ऐड करते चलना है। अभी ये वेबसाइट में एरर आ रही है, कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रही, लेकिन हमारी ये वेबसाइट है कनेक्ट हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हम जाएंगे इसके अंदर, ये वेबसाइट, इसका नाम है practicetest.co.in, है ना। तो आपको जितनी ऐड करना है आप उतनी ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने डब्ल्यू पी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी एक वेबसाइट शो हो रही है, ऐड अनदर करेंगे तो दूसरी वेबसाइट शो होने लगेगी, है ना। जितनी आप करना चाहें उतनी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वेबसाइट और कह सकते हैं ये प्लगइन केवल उन लोगों के लिए जो मल्टीपल वेबसाइट यूज करते हैं, वो काम करते हैं वेबसाइटों का, जहाँ पर वो चाहते हैं कि सारी वेबसाइट एक ही डैशबोर्ड में मॉनिटरिंग हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बार बार आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं हो, एक ही क्लिक पर वो साइट ओपन हो जाए। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आप इसका डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं, व्यू बैकअप देख सकते हैं, यहाँ पर साइट ऑप्शन दे सकते हैं, ओपन वेबसाइट डैशबोर्ड देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके डायरेक्ट डैशबोर्ड में चले जाएंगे, देखिए ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, है ना। आशा करते वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।